जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल सकें। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड का जो बेस है वो क्या कहता है आपसे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज आपकी है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यदि इस तरह की आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको उसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में आपको करना क्या है, फर्स्ट मेक कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, कि जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको आप यूनिटी बनाएंगे। मेकिंग कॉफिशियंट कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बाय डिवाइडिंग ए, ए मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बोथ साइड्स बाय ए। ए से जब आप डिवाइड करेंगे तो पूरी जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो यूनिटी बन जाएगा, अर्थात वन बन जाएगा। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप एड हाफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ कॉफिशियंट हाफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हाफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में इन लेफ्ट हैंड साइड make identity x plus a, यानी a plus b whole square और a minus b whole square, that is a plus b whole square और a minus b होल स्क्वायर डिपेंड ऑन साइन ऑफ बी, या डिपेंड ऑन साइन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स। कहने का मतलब अगर x का कॉफिशियंट पॉजिटिव है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आईडी बनेगी, और यदि नेगेटिव है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आईडी बनेगी। किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम इस मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन 3x स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम, तो मैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, 3x square minus 5x plus 2।
सपोज किसी भी इक्वेशन को कर सकते हैं, वैसे हम 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जिन क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उन्हें भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 3 है, तो हमें इसे 1 बनाना है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 3 और डिवाइड, फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई किया, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3। हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 3 से हमने डिवाइड किया तो यहां क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। भाई 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 5/3x, सिमिलरली प्लस 2/3। नाउ सेकंड स्टेप, एडिंग हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 5/3 या 5/3 कह लो, प्लस माइनस साइन को अभी हम ना देखें तो 5/3, 5/3 का हाफ कितना हो जाएगा 5/6। एडिंग 5/6 होल स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो ये हमारी बन गई अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 होल स्क्वायर। अब यहां से हम देखें कि भाई जो हमारा बी जो है या एक्स का जो कॉफिशियंट है, इसका साइन एक्स के साथ जो साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मींस ये हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आईडी बनेगी। ये देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 5/6 बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 × x इंटू 5/6, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 को जब कट करेंगे तो 3, तो 5/3x आ जाएगा। तो यहां से यहां तक ये मेरी आइडेंटिटी बन गई किसकी, एक्स माइनस 5/6, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये हमारा 5/6 का होल स्क्वायर आपका हो गया 25/36 माइनस 2/3, माइनस 2/3 ऑन फर्दर सॉल्विंग। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नाउ एक्स माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 3 एलसीएम लेंगे तो 36 ही आ जाएगा ना, जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो 36 ही आ जाएगा, तो 36 हमारा एलसीएम आ गया, 25 3 = 75, 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये हमारा कितना रह गया 25 माइनस 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 12 2 = 24, तो ये ऑन फर्दर सॉल्विंग इट कम्स आउट x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 − 24 = 1/36। ऑन फर्दर सॉल्विंग x माइनस 5/6
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर। यहां भी होल स्क्वायर हम बना लेते हैं, तो जब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। क्या कि हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां पे हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने स्क्वायर रूट ले लिया। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि 1/6 का स्क्वायर भी 1/36 होता और माइनस 1/6 का होल स्क्वायर भी 1/36 होगा। अब एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, पॉजिटिव साइन लिया, और एक बार एक्स माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6। ऑन फर्दर सॉल्विंग आगे फिर सॉल्व करें तो ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6। तो एक्स की जो वैल्यू आई 6/6 और एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन सॉल्व की। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6। तो x इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज 4/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो यहां से जो x की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह यहां हमारी x की वैल्यू 2/3 आई, यहां से x की वैल्यू 1 आई। तो हमारी दो जीरोज आ गई 1 और 2/3। तो एक बार फिर से देख लें किस तरीके से हमने सम को किया। मेथड क्या था? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, हम कहते हैं मेकिंग कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर जो है, अगर वो यूनिटी है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यूनिटी नहीं है तो हम उसे यूनिटी बनाते हैं by dividing whole equation both sides by a। तो a से दोनों साइड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। सेकंड स्टेप में हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आइडेंटिटी बनेगी आइदर a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। और ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो x का जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यदि किसी सम में अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो हमने सम लिया 3x² - 5x + 2 = 0। जब 3x - 5x + 2 = 0 है, हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है, यानी यूनिटी नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने हमारे मेथड का फर्स्ट स्टेप था कि भाई दोनों साइड ए से डिवाइड कर दो, ए कितना है 3, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3। 3 से हमने डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका -5/3x, ये +2/3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 5/3 का हाफ कितना हो गया, 5/6। तो 5/6 का होल स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, सॉरी ऐड करेंगे नॉट सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्टिंग का मतलब ही नहीं यहां पे, दोनों साइड हम ऐड करते हैं हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। देखें हमने अपने मेथड में भी यही कहा है कि एडिंग ऐड हाफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों साइड हम हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे हमने, क्योंकि उससे हमारी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 5/6 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो प्रीवियस इक्वेशन ही आ जाएगी।
अब जब हमने हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया, उसके बाद ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर, और यहां 5 का होल स्क्वायर, अब 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर जो है वो 25 अपॉन 36 प्लस 2 बाय 3 को यहां लेंगे माइनस 2 बाय 3। फर्दर इसे आगे सॉल्व किया हमने और सॉल्व करते चले गए, लास्ट में जब हम आए थे 1 अपॉन 36 बच रहा था, यहां भी हमने होल स्क्वायर बनाया कि किसका होल स्क्वायर हो सकता है, तो x माइनस 5 बाय 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया x माइनस 5 बाय 6, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, तो x माइनस 5 बाय 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 6। तो एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व किया और एक बार माइनस का साइन लेके सॉल्व किया। जब प्लस का साइन लेके सॉल्व किया इस तरीके से तो x की वैल्यू 1 आई, माइनस साइन लेके सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 अपॉन 3 आई। इस तरीके से हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 3x 4, चेंज द कलर, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, किसके रूट्स क्या होंगे, वही फर्स्ट स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 4। 4 से दोनों साइड हम डिवाइड कर दें, जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 एक्स प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 3 बाय 4 का हाफ कितना होगा, 3 बाय 8। एडिंग, सेकेंड स्टेप हमने यूज किया एडिंग 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब हमने 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया, 8 का सॉरी, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 एक्स प्लस 3 अपॉन 8 होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। ऑन फर्दर सॉल्विंग देखिए, ये a प्लस बी यहां से यहां तक, क्योंकि ये x का साइन पॉजिटिव है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आईडी बन जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 अपॉन 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये हमारा हो गया x प्लस 3 बाय 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लिया 64 आ गया, तो 9 ऐसे कैसे आई, 64 को 4 से करेंगे तो 16, 16 5 जा 80 माइनस 80। ऑन फर्दर सॉल्विंग तो इट कम्स आउट x प्लस 3 अपॉन 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 80, That is minus 71 upon 64।
तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, एनी नंबर कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता। सो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन does not exist, तो इसके real roots exist नहीं करेंगे। तो जब भी अगर यहाँ पे आपका whole square negative आ जाता है तो हम कहेंगे इस ऐसी equation के real roots exist नहीं करते। तो इस तरीके से हम इस method को apply करेंगे। I hope आपको ये method समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।